हाय गाइस, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री के नाम में जो बको फेरेंजियल कैविटी होता है उसमें पाए जाने वाली संरचना टीथ के बारे में। क्लियर? तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जो बकल कैविटी होती है उसमें पाए जाने वाली संरचनाओं में से पैलेट और टंग को हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज के लेक्चर में बात करेंगे टीथ के बारे में। तो हम पढ़ रहे एलिमेंट्री के नाम और उसके विभिन्न भाग, और उसमें पहला भाग था वो था माउथ एंड बको फेरेंजियल कैविटी, मुख और मुख ग्रसनीय गुहा। उसमें हमने पढ़ा जो बकल कैविटी होती है उस बकल कैविटी में कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है। एक तो होता है पैलेट यानी कि तालु, दूसरे होती है टीथ यानी कि दांत, इसके बाद जीभ, टंग और फैरिंग्स, ये संरचना पाई जाती है जिसमें से हमने पैलेट को और टंग को पूरा कर लिया था, यानी कि तालु और जीभ को हमने कंप्लीट कर लिया था। अब आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टीथ के बारे में, दांत के बारे में। तो अगर हम टीथ की बात करें तो टीथ जो होता है उसकी ऑरिजिन की बात करें यानी कि उत्पत्ति, जैसे कि हमने एलिमेंट्री कैनाल की उत्पत्ति देखी थी। एलिमेंट्री कैनाल की उत्पत्ति कैसे होती है? एक्टो एंडोडर्मल, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल की उत्पत्ति एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों से होती है, जिसमें से माउथ और हार्ड पैलेट और एनल कैनाल और एनस उसकी उत्पत्ति होती है एक्टोडर्म से, और सॉफ्ट पैलेट से लगाकर सीकम और कॉलन तक, रेक्टम, सीकम कॉलन रेक्टम, यस, सॉफ्ट पैलेट से लगाकर रेक्टम तक उसकी जो ऑरिजिन होती है वो होती है एंडोडर्म से। तो इस प्रकार एलिमेंट्री कैनाल की उत्पत्ति जो थी वो थी एक्टो एंडोडर्मल। तो उसी प्रकार जो टीथ है दांत उसकी उत्पत्ति जो होती है वो होती है एक्टोमीजोडर्मल, यानी कि तीन जर्मिनल लेयर होती है। जैसे कि हमें पता है उस तीन जर्मिनल लेयर कौन कौन सी है, एक तो होती है एक्टोडर्म, दूसरी होती है एंडोडर्म और तीसरी होती है मीजोडर्म। तीनों जर्मिनल लेयर होती है और इन तीन जर्मिनल लेयर से बॉडी के जितने भी सिस्टम हैं, जितने भी तंत्र हैं शरीर के, उन सब की उत्पत्ति इन तीनों जर्म स्रोत होती है, जिसमें से दांत की उत्पत्ति कैसी होती है एक्टोमीजोडर्म, यानी कि एक्टोडर्म से भी होती है और मीजोडर्म से भी होती है। ठीक है, तो एक्टोडर्म पार्ट कौन सा बनाता है, ध्यान देना, एक्टोडर्म जो है वो बनाता है इनेमल, दांत का जो इनेमल होता है जो बाहर जो वाइट कलर का होता है, तो दांत का जो इनेमल होता है वो बनाता है एक्टोडर्म। और दूसरे सारे भाग है, दांत के तीन भाग होते हैं, एक होता है क्राउन होता है, एक होता है नेक होती है और एक होता है रूट होता है, यानी शिखर, गर्दन और मूल, ये तीन भाग होते हैं। तो बाकी सारे भाग हैं वो कौन बना रहा है, मीजोडर्म बना रहा है, केवल इनेमल जो बाहरी भाग है वो बना रहा है एक्टोडर्म, और बाकी सारे भाग कौन बना रहा है, मीजोडर्म बना रहा है। तो इस प्रकार दांत की उत्पत्ति कैसी हुई, एक्टोमीजोडर्मल होती है। ले जाते इसके बाद इनेमल की बात करते हैं, तो इनेमल जो होता है वो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर सबसे कठोर संरचना अगर कोई है तो वो है इनेमल। जंतु जगत का सबसे मजबूत भाग कहा जाए तो वो इनेमल है, और पूरे प्लानिट का सबसे मजबूत भाग कौन सा होता है, डायमंड होता है, सबसे हार्ड सबस्टेंस कहे तो वो होता है डायमंड। और लिविंग की बात करें तो जंतु जगत का सबसे मजबूत भाग जो होता है वो होता है इनेमल, तो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी है। दूसरा जो इनेमल जो बनाता है वो कौन बनाता है, एमियोब्लास्ट सेल जो होती है वो इसका निर्माण करती है, एमियोब्लास्ट सेल जो होती है वो इनेमल का निर्माण करती है, एमियोब्लास्ट सेल समझ लो वो इसका फॉर्मेशन करती है इनेमल का। दूसरे उसके कंपोजिशन की बात करें तो इनेमल जो होता है उसमें 96% तो होता है इनऑर्गेनिक साल्ट, अकार्बनिक लवण होते हैं 96% मैग्नीशियम +2 PO4-3 और CO-3 CO3-2 सॉरी, ये सारे उसमें इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं 96%। 3% उसमें होता है वाटर और 1% उसमें होता है प्रोटीन। इनेमल के कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, ओनली इनेमल
जो हार्डेस्ट पार्ट है हमारे शरीर का इनेमल, उसका कंपोजिशन देखिए तो उसमें 96% होते हैं इनऑर्गेनिक साल्ट, जिसमें कैल्शियम प्लस टू, मैग्नीशियम प्लस टू, इधर PO4-3 एंड CO3-2 होता है। और साथ में वाटर कितना होता है, ओनली 3% वाटर होता है और ओनली 1% होता है उसमें प्रोटीन होता है। क्लियर। तब बात करते हैं उसकी स्ट्रक्चर की, तो ये है दांत की संरचना। तो दांत की संरचना की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हो ये बाहरी जो भाग है, ये शिखर वाला भाग, वो होता है इनेमल। क्लियर। और इनेमल के अंदर वाला जो भाग है वो कहलाता है डेंटिन। और वो जो डेंटिन जो होता है उसका स्रवण जो होती है वो ओडेंटोग्लास सेल करती है। ये जो है वो ओडेंटोग्लास सेल है। तो ये ओडेंटोग्लास सेल, ये बीच वाला जो भाग है डेंटिन, डेंटिन का स्रवण ये ओडेंटोग्लास सेल करती है। तो दांत की जो संरचना होती है उसमें ये जो बीच वाला भाग है वो होता है होलो, होता है खोखला होता है, जिसको हम कहते हैं पल्प कैविटी। बीच वाला भाग खोखला होता है उसको कहते हैं पल्प कैविटी। ये जो पल्प कैविटी होती है उसकी जो ओपनिंग है, ये जो छेद है उसको कहते हैं ऑप्टिकल फोरामेन, एपिकल फोरामेन। तो एपिकल फोरामेन से दांत के अंदर नर्व, ब्लड कैपिलरी और कनेक्टिव टिश्यू, वो सब इसके अंदर प्रवेश करते हैं। तो पल्प कैविटी के अंदर क्या क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ब्लड कैपिलरी के अंदर जाती है और साथ में नर्व फाइबर, ये तीनों इसके अंदर होते हैं पल्प कैविटी में, पल्प कैविटी के अंदर। और इसकी जो ओपनिंग है उसको हम कहते हैं एपिकल फोरामेन। और जो दांत जो होता है वो मसूड़ों से सीमेंट लेयर के द्वारा जुड़ा रहता है। और उसमें जो सेल होती है वो होती है सीमेंटोसाइट सेल। ये जो पूरा दांत है वो मसूड़ों के अंदर धंसा रहता है, थीकोडोंट टीथ होते हैं, मसूड़ों के अंदर धंसे रहते हैं। तो वो जो मसूड़ों के अंदर जिसके द्वारा जुड़े रहते हैं उसको हम कहते हैं सीमेंट लेयर, जो किसकी बनी होती है, सीमेंटोसाइट की बनी होती है। क्लियर। तो दांत की संरचना का बाहरी भाग है वो तो गया इनेमल, इनेमल के अंदर वाला भाग है वो होता है डेंटिन, और डेंटिन को रिलीज कौन करती है, ओडेंटोप्लास्ट सेल। और ओडेंटोप्लास्ट सेल किसके चारों तरफ होती है, तो पल्प कैविटी के चारों तरफ होती है। पल्प कैविटी जो होती है उसके अंदर क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ब्लड कैपिलरी होती है और नर्व फाइबर्स होते हैं। क्लियर। यहाँ तक ये थी दांत की संरचना। तो अब देखिए कुछ पार्ट समझ लेते हैं। दांत बहुत कठोर संरचना है, बहुत हार्ड पार्ट होता है जो दांत होता है वो। और इसकी संरचना में तीन भाग होते हैं, इसके स्ट्रक्चर में तीन भाग है। एक तो कौन सा, मूल यानी कि रूट, जो मसूड़ों के अंदर धसी रहती है, जबड़ों के अंदर धसा रहता है। जो भाग जबड़ों के अंदर धसा रहता है उसको तो हम कहते हैं रूट, वो तो भाग हो गया मूल भाग। दूसरा होता है शिखर भाग, क्राउन, जो कि ऊपरी भाग है जो बाहर निकला होता है, क्राउन, इनेमल जिसको कहते हैं अपन। और इसके बीच वाला भाग ग्रीवा, जो कि मसूड़ों के अंदर धसा रहता है। तब जबड़ों के अंदर दसा भाग तो क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा। बाहरी ऊपरी भाग है वो कहलाता है क्राउन, शिखर। और इन दोनों के बीच का भाग है वो कहलाता है नेक, ग्रीवा, जो कि मसूड़ों में दसा हुआ है। जो जबड़ों में दसा हुआ वो तो गया रूट यानी कि मूल, जो बाहर निकला हुआ वो गया क्राउन, शिखर। और इन दोनों का बीच का भाग है जो कि मसूड़ों में दसा हुआ है उसको हम कहते हैं ग्रीवा। क्लियर। और केंद्रीय भाग में, दांत के केंद्रीय भाग जो होता है, केंद्रीय भाग, उसमें कैविटी होती है होलो कैविटी, जिसको अपन कहते हैं पल्प कैविटी। और आधार भाग पर, ये देख लो आप, आधार भाग पर छिद्र होता है जिसको कहते हैं एपिकल फोरामेन, एपिकल छिद्र कहते हैं। और इस पल्प कैविटी के चारों ओडेंटोब्लास्ट सेल होती है जो किसका स्रवण करती है, डेंटिन का स्रवण करती है। और जो डेंटिन होता है जो कि 69% होता है, यही दांत का मुख्य संगठन होता है वो। क्लियर। तो दांत का जो शिखर होता है वो इनेमल द्वारा ढका रहता है। तो दांत का ये इसके ऊपर ये जो भाग है, दांत का शिखर, वो किसके द्वारा ढका होगा, इनेमल के द्वारा। यानी कि ऊपर आप देखो ये संरचना, ये कौन सी है, इनेमल है। तो दांत का जो क्राउन होता है वो किसके द्वारा कवर किया हुआ है, इनेमल के द्वारा कवर किया हुआ है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो यहाँ पर समुद्री घोड़ी, कछुए और पक्षियों में दांत अनुपस्थित होते हैं। किन किन में, समुद्री घोड़े में, कछुए में और पक्षी में, तो दांत जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। इसके बाद मेढक जो होता है उसकी केवल अपर जॉ, ऊपरी जबड़े में दांत पाए जाते हैं। और शाकाहारी जो होते हैं हर्बीवोरस, उनमें केनाइन दांत अनुपस्थित होते हैं। तो केनाइन जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, चीरने और फाड़ने का, टेरियन शेयरिंग, चीरने और फाड़ने का काम करते हैं।
तो शाकाहारी जो होते हैं मांस खाते नहीं है, तो इसलिए उनमें केनाइन जो दांत होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, और उनकी जगह अवकाश होता है, फ्री स्पेस होता है, उसको हम कहते हैं डायस्टेमा। उस फ्री स्पेस को कहा जाता है डायस्टेमा। डायस्टेमा क्या है? वो मुक्त अवकाश है शाकाहारियों में पाया जाने वाला। किसकी जगह? केनाइन दांत की जगह। अब बात करते हैं मानव के दंत सूत्र की। तो ये मानव का दंत सूत्र है 2123/2123। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो दंत सूत्र होता है वो केवल एक साइड का होता है, केवल इस तरफ का है। इसको आप 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरे मुंह के दांत आ जाएंगे। तो ये जो 2123 है वो कौन कौन से दांत हैं? इनसाइडर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे लेक्चर में। तो इनसाइडर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर 4 दांत होते हैं, कृतनक, हृदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। इनसाइडर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर 4 प्रकार के दांत होते हैं। उसमें से इनसाइडर 2 इस तरफ हुए और 2 इस तरफ, 4 हुए और 4 निचले जबड़े में, यानी कि 2 × 2 × 2, तो टोटल कितने हो गए? 8, 2 × 4 प्लस करेंगे, प्लस 2 × 2, ये हो गए 8 हो गए। यानी कि ये 4 तो ऊपरी जबड़े में हो गए और ये 4 निचले जबड़े में। कुल मिला के पूरे मुंह में कितने हुए? 8 दांत पहुँचे होते हैं इनसाइडर। कैनाइन देखो, कैनाइन ऊपरी जबड़े में कितने होंगे? 1 × 1 प्लस नीचे जबड़े में 1 × 1, नीचे भी 1 है, तो एक टोटल कितने होगी? 1 × 1 1 और 1 × 1 2, तो ये कितने होंगे? 2 + 2 कितने होंगे? 4, सॉरी ये प्लस होंगे, यहाँ पर इंटू नहीं होगा, सॉरी ये शायद आप प्लस होंगे, तो कितने होते हैं कि टोटल 4 तो हो गया कैनाइन, यानी कि 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर, वो 8 हो गए अपने इनसाइडर। कैनाइन 4 होते हैं, 2 ऊपरी जबड़े में 2 नीचे जबड़े में, 4 हो गए कैनाइन हो गए। अब प्रीमोलर की बात करते हैं अपन। प्रीमोलर, प्रीमोलर कितने होंगे वापस? 2 + 2 ये ऊपरी जबड़े में प्लस 2 + 2 ये वाले नीचे जबड़े में, टोटल कितने होंगे? 8 हो गए प्रीमोलर। अब बात करते हैं मोलर की। तो मोलर कितने हो जाएंगे? ऊपर कितने? 3 + 3 ऊपर 6 है, प्लस नीचे भी 3 + 3, तो नीचे भी 6 ऊपर भी 6, टोटल कितने होंगे? 12। तो 12 × 8 = 20, 20 × 4 = 32, तो टोटल एडल्ट ह्यूमन में कितने टीथ होते हैं? 32 टीथ होते हैं टोटल। क्लियर? देखिए कैसे किया हो, ये जो फार्मूला है वो सिर्फ और सिर्फ ये हैं फर्स्ट साइड ऑफ अपर जो फर्स्ट साइड ऑफ अपर जो क्लियर, और ये जो है वो है फर्स्ट साइड ऑफ लोअर जो। तो 2123 जो है वो केवल अपर जो का एक साइड है, तो उसको डबल कर देंगे तो अपर जो आ जाएगा पूरा 2123, इसका डबल करो यानी कि 2 × 4 इस 2 × 2 = 4, 1 × 2 = 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6, यानी कि 6 तो ये हुई, 4 ये 10 और 2 ये 12 और 4 ये कितने हुए? 16। तो अपर जो में कितने दांत हैं? 16। तो अपर जो में टोटल टीथ इन अपर जो टोटल टीथ इन अपर जो तो वो कितनी हो जाएगी? ये एक साइड का है, ये जो फार्मूला वो एक साइड का, उसको डबल कर दो तो पूरा अपर जो आ जाएगा। तो अपर जो कितनी हो गई? 2123 × 2 किया हमने, तो ये कितना हो गया? 3 × 2 = 5, 6 × 7 = 8, 8 × 2 = हो गया 16। तो अपर जो में कितने? 16 टीथ है, और लोअर जो में कितने? 16 है। टोटल टीथ इन लोअर जो है देखिए, टोटल टीथ इन लोअर जो तो वो भी कितने हो जाएंगे? 2123 / 2, तो
टोटल को प्लस करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 16। तो अपर जो में 16 टीथ है एंड लोअर जो भी 16 टीथ है, तो टोटल हो गया 32 टीथ। इसको हम पूरा एक लेक्चर में फिनिश करेंगे, क्लियर। तो आज हमने पढ़ा टीथ की स्ट्रक्चर, टीथ जो होती है उसकी ऑरिजिन कैसे होती है, एक्टोमीजोडर्म यानी कि एक्टोडर्म और मीजोडर्म से होती है। एक और खास बात, दांत को बनाने वाली कोशिकाएं कौन सी है, ओडोन्टोब्लास्ट सेल है, क्योंकि वो डेंटिन को रिलीज करती है और डेंटिन जो होता है वो दांत का मुख्य संगठन होता है, 69% होता है। इनेमल की बात नहीं कर रहे, इनेमल अलग है, ठीक है। डेंटिन के ऊपर होता है इनेमल जो होता है, डेंटिन जो होता है उसको कौन बनाती है, ओडोन्टोब्लास्ट। तो दांत का निर्माण करने वाली कोशिका है ओडोन्टोब्लास्ट कोशिका है, और दांत को गिराने वाली, तो दूध के दांतों को गिराने वाली जो सेल्स होती है वो होती है ओडोन्टोक्लास्ट होती है, ओडोन्टोक्लास्ट। अगर ओडोन्टोब्लास्ट है तो दांत का निर्माण करती है, और ओडोन्टोक्लास्ट सेल जो होती है वो दांत को गिराने का काम करती है, क्लियर। तो थैंक यू सो मच।